साल 2018 तबाही का साल होगा। इस साल दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है और कहीं पर ज्वालामुखी और कहीं पर भूकंप से महातबाही हो सकती है। ऐसा हम नहीं बल्कि 1555 में रहे महान भविष्यवक्ता का कहना है, जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हिटलर का आना, 9/11 के अटैक, लेडी डायना की मौत और यहां तक डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने की सटीक सटीक भविष्यवाणियां की थी। नाम था नॉस्ट्राडामस। नॉस्ट्राडामस 16वीं सदी का एक ऐसा व्यक्ति था जो भविष्य देख सकता था। नॉस्ट्राडामस ने सन 2018 के लिए कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली भविष्यवाणियां की हैं, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विचित्र दुनिया। आगे बढ़ने से पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने अब तक इस चैनल को इतना प्यार दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें। इससे YouTube आपको मेरे नए पब्लिश्ड वीडियोस का अलर्ट तुरंत दे देगा। नॉस्ट्राडामस की किताब ले प्रोफेसीज में लगभग 942 कविताएं हैं जो भविष्य के बारे में बताती हैं। इस बुक को सन 1555 में प्रकाशित किया गया था। तो आइए जानते हैं कि ये किताब सन 2018 के बारे में क्या भविष्यवाणी करती है। तो जनाब, नॉस्ट्राडामस 2018 के बारे में ये बताते हैं कि इस साल एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, शायद वर्ल्ड वॉर 3। ये युद्ध सबसे पहले फ्रांस में शुरू होगा और फिर पूरे यूरोप तक फैल जाएगा। नॉस्ट्राडामस कहते हैं कि ये युद्ध दुनिया के दो बड़े देशों के बीच में होगा और ये युद्ध पूरे 27 सालों तक चलेगा। इस युद्ध के कारण सारे विश्व की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसके अलावा सन 2018 कई प्राकृतिक विपदाओं का साल भी रहेगा, जिसमें अहम है महान वोल्केनो माउंट वेसुवियस का फूटना। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि माउंट वेसुवियस शायद 2018 में सक्रिय हो सकता है। ये ज्वालामुखी सन 1944 से अब तक नहीं फटा है। आप जरा इस बात पर ध्यान दें कि नॉस्ट्राडामस ने ये प्रेडिक्शंस आज से 500 साल पहले की थी। इसके अलावा नॉस्ट्राडामस ने अमेरिका में एक भयंकर अर्थक्विक की भी भविष्यवाणी की है। नॉस्ट्राडामस अपनी किताब में सन 2018 में एक अत्यंत बड़े मेटियोराइट धरती की तरफ आने की संभावना जताते हैं और न्यूक्लियर आतंकवाद का अति विशाल रूप लेने की भी प्रेडिक्शन करते हैं, जिससे धरती का विनाश हो सकता है। इतनी खतरनाक और मायूसी भरी प्रेडिक्शंस के बाद नॉस्ट्राडामस कुछ अच्छा भी कहते हैं, और वो ये है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि शायद इंसान 200 सालों तक जिंदा रह पाएगा। अब इस भविष्यवाणी की सच होने की अधिक संभावना लगती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेडिकल टेक्नोलॉजी किस तेजी से विकसित हो रही है और ये प्रेडिक्शंस सच होती नजर आ रही हैं। अब नॉस्ट्राडामस की इन प्रेडिक्शंस का क्या होगा और क्या ये प्रेडिक्शंस सच होंगी कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। क्या 2018 इंसानियत और धरती के लिए विनाश का साल रहेगा? हम तो आशा करते हैं कि ऐसा ना हो। और चलते चलते गालिब का एक शेर याद आ रहा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। अगली बार तक के लिए नमस्कार।